नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में रणवीर निकालेगा जो कि रिया को घर से बाहर। जी हाँ, क्योंकि रणवीर देगा रिया को डिवोर्स। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय घर का माहौल प्राची के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा हो चुका है, क्योंकि प्राची पर आए दिन लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस चीज़ को रणवीर के फादर, रणवीर की दादी जानती हैं कि प्राची पर जो ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे प्राची पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जहां आलिया और रिया की सच्चाई एक बार फिर से पता लगेगी, जिसके बाद में रणवीर जो कि घर पर इस चीज़ की बात करेगा, लेकिन रणवीर की मॉम यानी कि पल्लवी इस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर देती है कि कभी भी रिया इतना बुरा खेल नहीं खेल सकती। जिसके बाद में रणवीर बोलेगा कि माँ, तुम्हारे आंखों पे इस समय रिया के नाम की पट्टी बन चुकी है। जिसके बाद में पल्लवी बोलेगी कि तुम्हारे आंखों पे प्राची की पट्टी बन चुकी है। और दोनों में बहस होती है, लेकिन रणवीर लेने जा रहा है एक बहुत बड़ा फैसला। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही रणवीर करेगा रिया से डिवोर्स की घोषणा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से रिया ने पूरा घर का माहौल टेंशन भरा कर रखा है, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि प्राची के साथ में खड़े हुए नजर आएंगे रणवीर, रणवीर के फादर और रणवीर की दादी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले से ही रणवीर जो कि प्राची के लिए कितना ज़्यादा परेशान है, और आने वाले एपिसोड में वहीं पर ही नई प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही हैं आलिया और रिया। आलिया रिया की हमेशा से ही प्रायोरिटी रही है कि किसी भी तरीका से वो प्राची को इस घर से बाहर का रास्ता दिखा सके। यहाँ तक कि बार बार रणवीर की मॉम यानी कि पल्लवी को रिया जो कि प्राची के खिलाफ भड़काती हुई नज़र आती हैं। साथ ही दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणवीर और प्राची जल्दी ही एक होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। गाइस, थैंक यू सो मच।